आप प्रधानमंत्री जी हमेशा एक मिशन मोड में क्यों रहते हैं? ऐसा लगता है कि जैसे आपको ये महसूस होता है कि काम बहुत ज्यादा है और आपके पास टाइम बहुत कम है। आपकी बात सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे केस में ऐसा हुआ है कि करीब 60 साल तक सरकारें चलना तो छोड़ दीजिए, इतने गड्ढे किए थे। तो एक तो मुझे वो पुरानी जो खोट है, पुराने जो गड्ढे हैं उसको भरना है, दूसरा मुझे इस वर्तमान को संभालना है, और तीसरा मुझे भविष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ना है। तो मेरे प्रयास, अगर पहले की सरकारों ने अपने अपने दायित्व को ढंग से निभाया होता, एक्स्ट्रा काम करके नहीं, रूटीन काम करके भी निभाया होता, तो मुझे आज इतनी मेहनत नहीं पड़ती। मुझे जो ज्यादा मेहनत पड़ रही है वो पुराने समस्याओं जो छोड़ के गए हैं। अब मुझे बताइए, टॉयलेट, अगर इस देश में टॉयलेट पहले नहीं बन सकते थे क्या? अब बना देते थे, मुझे रात दिन टॉयलेट बनाने के लिए क्यों मेहनत करनी, मैं कुछ और काम कर लेता। दूसरी तरफ मुझे टॉयलेट भी बनाना है, 5G भी पहुंचाना है, तो मुझे मिशन मोड में काम करना ही पड़ेगा। दूसरी बात है कि ये जो हमारे देश में मत बन गया ना कि ये जनता जनार्दन आपको 5 साल के लिए बिठाती है, यार 5 साल के बाद जो होगा तो होगा, कोई और आएगा लेकिन फिर 5 साल के बाद, ये चक्र ने बहुत बड़ी बर्बादी की है। इसलिए किसी सरकारों को परफॉर्म करने की परवाह ही नहीं है। मैं इस देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, देश के भविष्य के लिए कुछ छोड़ करके जाना चाहता हूं, और मैं इमोशनली कनेक्ट हूं। मैं खुद के सुख के लिए पैदा नहीं हूं, मैं अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं इसे दायित्व समझता हूं, और उस दायित्व को निभाना मिशन मोड में ही होना चाहिए।